हेलो एवरीवन, माय नेम इज पटेल पिंकी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मास्टर पेज हम कैसे क्रिएट करें डॉट नेट के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम मास्टर पेज बनाने के लिए प्रोसेस। ठीक है, तो एड पे जाना है, राइट क्लिक करके वेबसाइट पे, देन हमें एड पे क्लिक करके एड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे हमें सी शार्प पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे सी शार्प में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मास्टर पेज हमें बनाना है, इसलिए हमने मास्टर पेज सिलेक्ट किया, देन ऐड। उसके बाद हमें यहाँ पे उसको एक टाइटल देना है कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर, तो हम टूल बॉक्स में से यहाँ पे डायरेक्ट एक कंटेंट प्लेस होल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर ही होगा, जो हमारा वेब कंट्रोल है उसमें स्टैंडर्ड है कंटेंट प्लेस होल्डर। ओके, तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें ये पोर्शन जो है वो टाइटल के अंदर लाना है। ये पोर्शन को हमने नाम दे दिया टाइटल, ये हेड है और इसको हम कंटेंट बॉडी दे देते हैं, कंटेंट बॉडी। ठीक है, इतना सा काम कर लिया हमने। उसके बाद हम इसको सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू वेब फॉर्म बनाएंगे। वेब फॉर्म में हम उसको सिलेक्ट करेंगे अपना जो भी मास्टर पेज हमने बनाया उसको। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक वेब फॉर्म लेते हैं जिसका नाम default.xps है। यहाँ पे मेन हमें देखना है ये सिलेक्ट डॉट मास्टर पेज को हमें इसे टिक कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद एड बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे अगेन मास्टर पेज डॉट मास्टर पे क्लिक करना है, देन ओके। यहाँ पे एक्सटेंशन मास्टर पेज बनाने के लिए मास्टर ही है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद कभी भी मास्टर पेज हमें रन नहीं करना है, जब भी अगर कुछ हमें रन करना है तो हम यहाँ पे वेब फॉर्म रन करेंगे। तो ये जो टाइटल का पोर्शन है उसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक होम पेज बना रहे हैं तो होम लिख देते हैं। उसके बाद ये जो कंटेंट बॉडी है, कंटेंट बॉडी मीन्स की बॉडी की, जैसे हम एचटीएमएल में हमने देखा हुआ कि बॉडी के अंदर ही सारे के सारे जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है, इमेज कराना है, ड्रॉप डाउन व्हाटएवर जो भी आपको शो कराना है आप बॉडी के अंदर ही लिखते हो, सेम एज इट इज डॉट नेट के अंदर भी है कि हमने यहाँ पे उसको पोर्शन दे दिया है कि ये कंटेंट बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हमें सारी की चीजें लिखना है। तो सिंपल समझ देते हैं दिस इज होम पेज। उसके बाद हम इसको रन करके देख लेंगे कि हमारा ये पेज अभी कैसा शो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है रन होने में, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद रन कर रहे हैं इसलिए, और वीडियो भी बनाने में हमें लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं, बिल्ड हो रहा है, ये सक्सेस हो गया। यहाँ पे नीचे हमें देख लेना है, तो हमारा ये पेज रन हो गया है। अब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे कि और भी सारे पेजेस कैसे लाना है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा था होम पेज, तो हमने बेसिकली देख लिया कि होम पेज कैसे हमें ऐड करना है। उसके बाद हम अगर दूसरा पेज लाना है तो दूसरा पेज भी ला सकते हैं। तो दूसरा पेज लाने से पहले हम यहाँ पे एक देख लेते हैं कि हमें और भी चीजें, मतलब मान लीजिए नंबर ऐड करना है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम पहले डिजाइनिंग देख लेते हैं, डिजाइनिंग में कुछ चेंज करते हैं अपने आप से। क्लास, हम यहाँ पे एक मेनू बार बनाएंगे जिसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है वो हम लिखेंगे। क्लास के अंदर कंटेंट हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेते हैं, ड्यू टैग ले लिया क्लास, उसको हम देते हैं रैपर। इस क्लास के अंदर ही हमें सेम एज इट इज हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा ड्यू मेनू नाम से, क्लास मेनू। ओके, तो हमने ये ले लिया, सिलेक्टर को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपल सा। ओके, अब हमें मेनू बार बनाना है, तो मेनू बार बनाने के लिए हमें ULLI का यूज करना है। ULLI लेंगे, उसके अंदर ए टैग, जो भी कंटेंट देना है हम अपने आप से दे सकते हैं। default.axps, फर्स्ट पेज हमने डिफॉल्ट नाम का बनाया था, उसे हम नाम दे देते हैं होम पेज। उसके बाद ऐसे ही हमें दो तीन पेज बना लेते हैं, उसके बाद हम रन करेंगे अपने पेज को जो भी हमें जैसे रन करना है वैसे। तो हम यहाँ पे li टैग को कॉपी करके दो तीन बार पेस्ट कर लेते हैं, जितने पेजेस बनाने हैं इतने। ओके, होम हो गया हमारा ये, अबाउट ये कैटेगरी दे देते हैं,
उसके बाद एक कॉन्टेक्ट पेज बना लेते हैं। कॉन्टेक्ट पेज ओके, फाइनली ये हो गया हमारा रेडी। अब हमें क्या करना है, इसमें जो पेजेस दिए हैं उसमें सारे पेजेस का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हमें करेंगे। अभी हम यहाँ पे हैज यूज कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने पेजेस पे बनाए नहीं है, फिर भी हमें इसे रन करना है। तो चलिए हम एक यहाँ पे अबाउट नाम का पेज बना लेते हैं पहले, अबाउट, ठीक है। एड एड न्यू आइटम, और हमें यहाँ पे एक अबाउट नाम का पेज बनाना है, अबाउट सिलेक्ट है, मास्टर पेज सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है हमें कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे, ठीक है। तो हम इसे नाम देते हैं टाइटल के अंदर अबाउट, कंटेंट बॉडी के अंदर हम देते हैं दिस इज अबाउट पेज। डन, रन करके एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम अभी हमारा इंटरफेस कैसा दिख रहा है। हमने मास्टर पेज के अंदर नेवर बनाया था, नेवर पर हम जब भी कोई क्लिक करेंगे तो वो इवेंट ओपन होने चाहिए, तो ऐसा हमने शो बनाया था। ये देखिए ये होम पेज है तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है होम पेज, फिर हमने यहाँ पे अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज आ रहा है। कैटेगरी में अभी हमने कुछ नहीं दिया है इसलिए कैटेगरी में चेंज नहीं होगा, हम पेज बना लेंगे तो हमारा सब कुछ चेंज होने लगेगा। ये देखिए तो इस तरीके से हमने लिंक ऐड कर दिया। मान लीजिए कोई हमें वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट भी हम बना सकते हैं इसके बेस ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ बूटस्ट्रैप से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेव बार बूटस्ट्रैप, W3 स्क्रूज पे हम जाते हैं डायरेक्ट ताकि वहाँ पे इजीली हमें एक्सेस मिल रहा था इसलिए। और एक्सेस करने के पहले हमें यहाँ पे जरूरत है CDN लिंक की क्योंकि हम बूटस्ट्रैप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले CDN लिंक होना चाहिए। बूटस्ट्रैप 4 यूज करेंगे हम यहाँ पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे नेवबार लेना है तो नेवबार में से हम बूटस्ट्रैप लिंक भी कॉपी कर लेंगे। मेरा नेवबार हमारा, अब हमें जो भी अच्छा लगे हम नेवबार हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। नेविगेशन बार हमें जैसा अच्छा लगे वैसा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर। ओके तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये नेवर मुझे लेना है, तो ड्राइव सेल्फ के अंदर जाती हूँ और वहाँ से हम पहले CDN लिंक कॉपी करेंगे, उसके बाद ही कुछ काम पे कुछ काम करेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया CDN लिंक, अब हमें इसे मास्टर पेज के अंदर इसे इंक्लूड करना है। तो मास्टर पेज के अंदर हम टाइटल में जाएंगे, सॉरी कंटेंट बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल के बाद हमें इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि अभी ये जो हमने बूटस्ट्रैप में नेवर बनाया था तो ये नेवर थोड़ा अलग दिख रहा था और अभी हम यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है इंटरफेस, ठीक है। ये देखिए लिंक आ गया, वहाँ पे एक लाइन आ जा रही है छोटी सी। ओके तो हमने ये क्या किया, CDN लिंक के कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो डिबगिंग ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हमें एक नेवर कॉपी करना है। नेवर कॉपी करके हमें हमारे फोल्डर में पेस्ट करना है, तो यहाँ से हम नेवर को भी कॉपी करेंगे। पूरे को पूरे नेव टैग लेना है, उसके बाद पूरे नेबर क्लोज हो रहा है वहां तक हमें इसे कॉपी कर लेना है। तो इसको हमने कॉपी किया सिंपल सा, और हमें अब क्या करना है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दिया, ऊपर देख लेते हैं रन करके ये लिंक हमें अच्छे से मतलब इसका कैसा शो हो रहा है, उसके बाद में हम कुछ उसमें चेंजेस करेंगे वन बाय वन। तो इस तरीके से गाइज आप बूटस्ट्रैप के वहां से कॉपी कर सकते हो। ये देखिए आ गया हमारा, अब हमें यहाँ पे हमारे को जैसा अच्छा लगे वैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं हमारा होम पेज, अबाउट, कैटेगरी, देन हमें एक कॉन्टेक्ट पेज भी बना लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज भी बन गया, कॉन्टेक्ट पेज बन गया। तो हमने अभी लिंक देना है इसे, तो पहले का नाम हमने रखा था default.asps, सेकेंड का नाम हमने अबाउट पेज बनाया है about.axps। ओके तो इस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारे मुताबिक, हमें जो ऐड करना है हम कर सकते हैं। ओके चलो ये हो गया नेविगेशन बार। हमें अब क्या चाहिए, मान लीजिए हमें कोई फूटर चाहिए तो फूटर पेज बनाने के लिए हम जंबोटन बूटस्ट्रैप में जो जंबोटन आता है वो यूज कर लेते हैं, तो हमें इजीली एक्सेस वहां पे बूटस्ट्रैप में चेंजेस करना ईजी हो जाता है जब हम बूटस्ट्रैप में जंबोटन यूज करते हैं। आप टोटली बूटस्ट्रैप अगर सीख जाओगे अच्छे से, अगर आपको नहीं आता तो इसके प्रीवियस में हमारा वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो
आप उसे जाके एक बार चेक करिए, आप पहले बूटस्ट्रैप सीखिए तो आपको वेबसाइट बनाने में इजी होगा। यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ डायरेक्ट आके हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, सिंपल सा हमें पेस्ट ही कर देना है कुछ नहीं। यहाँ पे एक बार एंटर करके देखते हैं कैसा भी दिखेगा हमें। देख लेते हैं इंटरफेस यहाँ पे ऐसा रहा, तो फिर हमारे जब रन करेंगे ब्राउजर में तब कैसा आता है, थोड़ा इंटरफेस में थोड़ी सी चेंजेस होती रहती है। मास्टर पेज आई थिंक रन कर दिया, मास्टर पेज हमें कभी भी रन नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हम यहाँ पे डिबगिंग ऑफ करते हैं और उसके बाद हम फिर से इसे रन करके देख लेते हैं। तो मास्टर पेज हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो, ज्यादा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हेडिंग एंड फुटर, हेडर फाइल एंड फुटर दोनों हर जगह सेम ही होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो कंटेनर है उसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम फुटर ला देते हैं। ठीक है, इंटरफेस तो काफी अच्छा ही दिख रहा है, कुछ खराब नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं जो भी हमें चेंजेस लानी है वो। हम ये दोनों रिमूव कर देंगे, हमें इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे जो बूस्टर ट्यूटोरियल लिखा है वहां पे हम फुटर ला देते हैं, फुटर पेज, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है तो इसे भी हम सिंपली रिमूव कर देंगे, या फिर कॉपीराइट जो भी हमें लिखना है हम वो लिख सकते हैं। हम इसे हमारे पेज को रन कर लेते हैं। अगर रन करने से पहले हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज एंड कैटेगरी पेज भी बना लेते हैं ताकि दोबारा हमें रन ना करना पड़े, बार बार रन करेंगे, इससे अच्छा पहले बना लेते, जो भी काम है वो फिनिश कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक कॉन्टेक्ट पेज, देन हमें एक बाकी रह गया हमारा कैटेगरी पेज, एड एड न्यू आइटम, देन वेलकम पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी पेज बना देते हैं, कैटेगरी डॉट पेज पेज हो गया। ओके डन, तो यहाँ पे हम उसको टाइटल दे देते हैं कॉन्टेक्ट के अंदर, ये कॉन्टेक्ट पेज है। जैसे कि हम कॉन्टेक्ट टाइटल के अंदर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे लेते हैं दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, टाइटल के अंदर हम उनसे टाइटल ही देते हैं। तो जैसे हम सी में सॉरी एचटीएमएल में यूज करते हैं वैसे का वैसे ही हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एक पूरा कंटेंट बनाया था हमें कि हमें इस तरीके से इसको यूज करना है। दिस इज कैटेगरी पेज, ओके फाइन, ये हमारा हो गया है और हमने लिंक भी ऐड कर दिया है, तो जब भी हम कोई पेज रन करेंगे तो वो पेज रन होकर हमारे सामने आ जाएगा, वैसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये पेज बना है या नहीं। ये देखिए, बस ये हमारा होम पेज, तो यहाँ पे होम पेज आ गया, हमारा अबाउट है तो अबाउट पेज भी आ गया, कैटेगरी है तो कैटेगरी, ओ सॉरी हमने लिंक देना भूल गए, तो हमने पेजेस तो बना लिए बट हम यहाँ पे जो लिंक देना है वो तो बाकी रह गया है, तो सबसे पहले वो भी हम उसमें लिंक दे देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो ही पेज का लिंक दिया था, देखिए तो फर्स्ट है कैटेगरी डॉट एस पी एस, then contact dot asps, okay fine, ये हमारा बन गया है। अब हम इसे रन कर सकते हैं, कोई भी पेज आप रन कर लीजिए, इंटरफेस तो सभी सेम ही आना है जिस पेज में है, मतलब मान लीजिए हम अबाउट पेज में है तो अबाउट पेज से होगा फर्स्ट में, उसके बाद जहाँ पे अभी आप नेविगेशन बार में क्लिक करके जो भी पेज ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ओके तो ये अबाउट पेज हो गया, ये होम पेज, अबाउट, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट पेज, इसके मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरीके से हम जो भी हमें पेज एक्सेस करना है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली फुटर की स्पेलिंग इस तरह की सही होती है, फुटर थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है क्योंकि हम बहुत ही फास्ट यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए। और हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट में भी सही लिखा है, ओके फाइन, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा फाइल रिफ्रेश करना ही बाकी रहा और कुछ नहीं।
कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाएगा सिंपली। देखिए कैटेगरी अबाउट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे बनाते हैं एक मास्टर पेज का यूज करके कोई भी पेज बनाना हो या फिर कोई भी वेबसाइट बनाना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। बीच का जो भी कंटेंट है वो हम पे डिपेंड है और इसके बाद इसको कोई फिक्स कर देना है। आप इससे भी अच्छी तरीके से बना के मुझे आप सेंड कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैंने ऐसा बनाया है। अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली है तो आप मुझे कमेंट में लिंक भी सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको रिव्यू दूंगी, कमेंट करूंगी। अगर आपका अच्छा है तो हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये मास्टर पेज में क्लियर हो गया हो कैसे इसको बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।